गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स चिल्ड्रेन इन द लास्ट क्लास वी हैव फिनिश्ड द सेकंड यूनिट दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वी हैव जस्ट कंप्लीट एंड वी हैव कंप्लीटेड द इवोल्यूशन पोर्शन एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द रोल ऑफ माइक्रोब्स सो राइट नाउ वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट दैट इज बायोटेक्नोलॉजी बच्चों बायोटेक्नोलॉजी का आप कई बार नाम सुन चुके हैं इससे पहले भी आपको मालूम है कि देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन अवर वर्ल्ड हमारे संसार में हमारी दुनिया में बायोटेक का बहुत ही ज्यादा यूज है क्योंकि यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें माइक्रोब्स को बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को यूज करके ह्यूमन बींग के वेलफेयर के लिए वेरियस प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं मैन्युफैक्चर करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो या मेडिसिनल या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो बच्चों तो बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही ज्यादा स्कोप है आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी इसके डेफिनेशंस और स्कोप को देखेंगे कुछ टूल्स को भी देखेंगे इसके और फिर लेटर क्लासेस में हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इसके प्रिंसिपल्स को देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को देखेंगे पीसीआर को दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को देखेंगे बहुत ही अच्छे दो चैप्टर्स आपके सामने आने वाले हैं दैट इज प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अब हम बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल भी पढ़ने जा रहे हैं क्या क्या इसके सिद्धांत है क्या क्या इसका बेसिस है और इसके एप्लीकेशन भी पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कि बायोटेक के क्या एप्लीकेशन है सो लेट अस स्टार्ट बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस एंड सी दैट व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी चिल्ड्रेन बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल्स आर सेल कंपोनेंट टू मेक अ प्रोडक्ट ध्यान दीजिएगा फूड्स वैक्सीन्स एंटीबायोटिक्स विटामिन्स बायोडिग्रेडेशन या सेलेक्टिव ब्रीडिंग के लिए भी बायोटेक का यूज किया जाता है बच्चों तो इंट्रोडक्शन पार्ट को मैंने लिया है यहाँ पर तीन डेफिनेशन को लिया है आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं इन तीनों डेफिनेशन में आपको नजर आ रहा है दैट बायोटेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म सिस्टम्स आर प्रोसेस टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज ध्यान दीजिएगा ये ब्रिटिश बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने डिफाइन किया है हम लोग एक एक डेफिनेशन को आराम से डिस्कस करेंगे क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी की कई डेफिनेशंस आपको बोर्ड में भी लिखना होगा बच्चों अगर पूछता है कि डिफाइन करिए बायोटेक्नोलॉजी को इसके प्रिंसिपल्स को या इसके एप्लीकेशंस को तो कई तरीके से इसको डिफाइन करना होगा लेकिन उससे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स नंबर वन यू आर सीइंग हियर दैट बायोटेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का ही एप्लीकेशन होता है बच्चों एक सिस्टम या एक प्रोसेस होता है टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस द इंडस्ट्रीज बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपोनेंट इन एग्रीकल्चर फूड एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस ध्यान दीजिएगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए फूड प्रोडक्ट्स के लिए और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं बच्चों देखिए इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड थर्ड वन यू आर सीइंग हियर दैट बायोटेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स ध्यान दीजिएगा साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल्स बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज होल्ट और लिली ने इसको बताया 1982 में बहुत ही फेमस डेफिनेशन माना गया ये होल्ट और लिली का एक बार फिर से देख लीजिए यह बायोटेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल्स बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज करके बायोलॉजिकल एजेंट्स के मटेरियल को प्रोसेस करके इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के आधार पर नए गुड्स और सर्विसेज बनाना नए प्रोडक्ट्स बनाना दैट इज बायोटेक्नोलॉजी चिल्ड्रेन सो अगेन यू आर सीइंग हियर द नेक्स्ट डेफिनेशन दैट बायोटेक्नोलॉजी दैट यूजेस द बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू क्रिएट आर मॉडिफाई द प्रोडक्ट फॉर पर्टिकुलर पर्पज अगर कोई हमारा पर्टिकुलर पर्पज
इधर इट शुड बी इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल और मेडिसिनल, किसी भी चीज में बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन होता है बच्चों। तो अगर हम एग्रीकल्चरल या इंडस्ट्रियल या मेडिसिनल कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके या उनके मटेरियल्स को यूज करके मॉडिफाई करके हम कोई इस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं जो मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में या इंडस्ट्रीज में यूज हो, तो दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। ओके, so what is the definition now you are understanding that biotechnology is the technology in which living organisms or you can say microorganisms are used for human welfare. Biotechnology is such technology in which genetic engineering takes place, in which the manipulation of genes takes place to manufacture various products of different sectors such as industries, agriculture or medicinal sector. Biotechnology is the technology which involves the manipulation of genes, okay, which involves the participation of microbes, biological organism to design the various products, okay. So, तो इसलिए बच्चों आप देख रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, अब तक आपको इसका डेफिनेशन समझ में आ चुका होगा बच्चों कि बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग जो है वेरियस प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाते हैं बच्चों, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, मेडिसिनल या एग्रीकल्चरल या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। तो इसमें से यह जो तीन डिफिनेशन है इसको आप चाहे तो नोट कर ले, मैं एक मिनट बाद इसके आगे के टूल्स को आपको अलग से इलेबोरेट कर रहा हूं। ओके प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इन तीनों ही डेफिनेशंस को। तो कई डेफिनेशंस हम लोगों ने बायोटेक का देखा आज के डेट में कि बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहे हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए, वेरियस प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं माइक्रोब्स को यूज करके, एक चीज तो हम लोगों ने अभी देखा। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में जो है माइक्रोब्स के जीन्स की इंजीनियरिंग की जा रही है, दैट इज मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स, जीन को मैनिपुलेट किया जा रहा है बच्चों, और मैनिपुलेट करके डिजाइन किया जा रहा है नए प्रोडक्ट्स को। तो आप देखिए अब यहां पर एक ब्रीफ डेफिनेशन लिया गया है बायोटेक्नोलॉजी का, द आर्ट ऑफ यूटिलाइजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म्स एंड देयर प्रोडक्ट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड, ड्रिंक, मेडिसिन और फॉर अदर बेनिफिट्स टू ह्यूमन रेस और अदर एनिमल स्पीसीज। ध्यान दीजिएगा, यह एक आर्ट है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स यूटिलाइज होते हैं जिससे कि प्रोडक्शन किया जाता है फूड का, ड्रिंक का, मेडिसिन का या अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का, जिससे ह्यूमन जाति का फायदा होता है, ह्यूमन रेस का फायदा होता है और दूसरे भी एनिमल्स का फायदा होता है। यह है बायोटेक्नोलॉजी। तो आप देख रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है इसका एक बहुत ही ज्यादा स्कोप है बच्चों, दुनिया में बायोटेक्नोलॉजी का आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा स्कोप है, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके, उनके जीन्स का मैनिपुलेशन करके फूड आइटम्स, मेडिसिनल आइटम्स और एग्रीकल्चरल आइटम्स बनाए जाते हैं बच्चों। दैट्स व्हाई इट इज द वेरी स्पेशल साइंस रिलेटेड टू बायोलॉजी एंड रिलेटेड टू माइक्रोब्स आल्सो। सो चिल्ड्रेन, लेट अस डिस्कस दैट व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। कई डेफिनेशन अभी तक मैंने आपको दिखाया बायोटेक्नोलॉजी का, अब आप इसको डिस्कस कर सकते हैं ना कि क्या है बायोटेक्नोलॉजी, क्या है। द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वॉज क्वाइंड इन 1917 बाई हंगरियन इंजीनियर कार्ल अर्की। ध्यान दीजिएगा, कार्ल अर्की ने सबसे पहले हंगरी के रहने वाले कार्ल अर्की ने सबसे पहले 1917 में जो है बायोटेक्नोलॉजी टर्म क्वाइन किया,
to describe a process for large scale production of pigs. या pigs के pigs के large scale production को इन्होंने define करने के लिए biotechnology term को coin किया था पहली बार बच्चों. And biotechnology can be defined as the application of technology using the living organism to obtain useful products. यहाँ पर जो है living organism को use करके useful products बनाए जाते हैं बच्चों biotechnology में. तो इस टर्म को सबसे पहली बार 1917 में हंगरियन इंजीनियर कार्ल अर्की ने यूज किया. इसमें वो प्रोडक्शन ऑफ पिक्स के लिए यूज किया था. डजंट मैटर. एंड बायोटेक्नोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी यूजिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट्स. सो चिल्ड्रन नाउ सी द स्कोप. मैंने अभी आपको बताया भी कि एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल या मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से. Let us see the scope of biotechnology. Here you are seeing the four criteria, four corners of the biotechnology scope, which are medical biotechnology, agriculture biotechnology, industrial biotechnology, and marine biotechnology. बच्चों इनको अलग अलग colors के वे में भी नाम दिया गया है. आप देख भी रहे होंगे, चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं. मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी दैट इज रेड बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी दैट इज ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी दैट इज ग्रे और व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, एंड मरीन बायोटेक्नोलॉजी दैट इज ब्लू बायोटेक्नोलॉजी. तो ये अलग अलग मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में बच्चों हम लोग हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट का काम करते हैं. अलग अलग थेरेपीज, डायग्नोस्टिक्स और ट्रीटमेंट के प्रोसेस को हम लोग ईजाद करते हैं, दैट इज मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी. यहाँ पर आप देखेंगे भी एप्लीकेशन में कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग जीन थेरेपी करते हैं. बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया गया पहली बार. तो जो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन भी हमें पढ़ना है और जीन थेरेपी भी हमें पढ़ना है. बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बच्चों हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करते हैं, दैट इज एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, दैट इज द डायग्नोसिस टेस्ट फॉर द एड्स आल्सो. तो एड्स वगैरह का, सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इन तमाम चीजों की डायग्नोसिस के लिए बायोटेक ही सबसे अच्छा तरीका है. कोरोना वायरस आप देख रहे हैं, पिछले 5-6 महीनों में आपने देखा कि कोरोना वायरस की टेस्टिंग कितनी ज्यादा दिक्कतें आई. तो कोरोना वायरस की भी जो टेस्टिंग होती है बच्चों वो PCR टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल है जो हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे. तो आप देखेंगे कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू किस तरीके से कोरोना, एड्स या हेपेटाइटिस का डायग्नोसिस किया जाता है बच्चों. तो यह तो बायोटेक्नोलॉजी का पहला यूज हो गया मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज रेड बायोटेक्नोलॉजी. नाउ कम टू सी द अनदर काइंड, दैट इज एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी. एग्रीकल्चर में भी बच्चों हम लोगों ने बेटर क्रॉप प्रोडक्शन, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा काम किया है बायोटेक की मदद से. विटामिन ए इनरिच्ड राइस, विटामिन ए इनरिच्ड पंपकिन, पपाया, विटामिन सी इनरिच्ड बिटर गार्ड, विटामिन सी इनरिच्ड बथुआ, स्पाइनेज, आयरन एंड प्रोटीन इनरिच्ड लवलव, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ लेग्यूम पल्सेस हैव बीन डेवलप्ड. आप IARI के बारे में भी जानते हैं, दैट इज इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट. IARI ने भी बच्चों तमाम रिसर्चेज करके डेवलप किए हैं तमाम ऐसे प्लांट के ब्रीड्स जो कि बायो फोर्टिफिकेशन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उनमें हाई प्रोटीन कंटेंट, हाई मिनरल कंटेंट, हाई फैट कंटेंट और हाई माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेंट होते हैं जो कि बायो फोर्टिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी है. और यह हो पता है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, दैट इज ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी वी आर सीइंग. नाउ सी द थर्ड वन, दैट इज इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी. इंडस्ट्रीज में भी बायोटेक का बहुत ही अधिक यूज है बच्चों. इंडियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट अनंत मोहन चक्रवर्ती ने सबसे पहली बार सुपर बग्स बनाया, सुपर बग्स, स्पेशल प्रकार के बग्स को बनाया बाय यूजिंग अ बैक्टीरियम सीडोमोनास पुटिडा. एक बैक्टीरिया था सीडोमोनास पुटिडा बच्चों, सीडोमोनास पुटिडा को यूज करके इन्होंने, अनंत मोहन चक्रवर्ती ने जो है सुपर बग्स बनाया और इसको USA के इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया गया. जो इंडस्ट्रीज होते हैं वहां के एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया गया. सुपर बग्स व्हिच हैव बीन मेड अप
भाई सीडोमोनास पुडिडा इस टालविन ईटर, इस जाइलिन ईटर, इस सल्फर डाइऑक्साइड ईटर। तो जब सुपरबग्स सल्फर डाइ एटमॉस्फेयर में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड, टालविन, जाइलिन और दूसरे एयर पॉल्यूटेंट्स को इंगल्फ कर लेते थे, जिससे एयर प्यूरिफाई हो जाता था। एंड फॉर दिस ग्रेट वर्क अनंत मोहन चक्रवर्ती वाज अवार्डेड बाय नोबल प्राइज एंड सुपर बग्स वर नेम्ड एज चक्रवर्ती बग्स। अंत भी आप उन्हीं के सम्मान में सुपर बग्स का नाम ही रख दिया गया, चक्रवर्ती बग्स। तो आप देख रहे हैं इंडस्ट्रीज में यूज इसका, बायोटेक्नोलॉजी का। इसके अलावा भी मेडिकल इंडस्ट्रीज में भी, अभी मैं इंसुलिन के बारे में बताया था आपको कि बेलिस और स्टर्लिंग दो साइंटिस्ट थे बच्चों, इन्होंने अमेरिका की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी एली लिली, एली लिली अमेरिका की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, जिसमें 1983 में पहली बार जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया गया, जीन की इंजीनियरिंग करके, मैनिपुलेशन करके, जोड़ घटा के इंसुलिन तैयार किया गया, दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। और आप जानते हैं इंसुलिन का कितना ज्यादा जरूरत है, हर दूसरे घर में ही डायबिटीज के पेशेंट होते हैं और इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को डाउन करता है। तो इसलिए इंसुलिन, आपने कई बार देखा भी होगा लोगों को इंसुलिन, लोग अपने से ही इंसुलिन लगा लेते हैं जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, अंडर स्किन वो अपने से ही लगा लेते हैं इंसुलिन। तो इंसुलिन एक कॉमन सा इंजेक्शन है ग्लूकोज के लेवल को डाउन करने के लिए। और आपको यह भी पता है कि इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास, बट व्हेन इट इज लो देन ग्लूकोज लेवल राइजेस एंड वी सफर फ्रॉम द डायबिटीज मेलाइटस। टू रेक्टिफाई फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज यू कैन से, टू लोअर डाउन द ग्लूकोज लेवल यू कैन से, वी यूज द इंसुलिन इंजेक्शन दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो यह एक इसको हम लोगों ने यहाँ बायोटेक का देखा। और मेरीन बायोटेक्नोलॉजी देखिए, मेरीन बायोटेक्नोलॉजी में भी यूजिंग बायोटेक फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ मेरीन या एक्वेटिक लाइफ, वहां पर हम एक्वेटिक लाइफ में भी तमाम तरीके से तमाम वो ब्रीडिंग करवा के और तमाम बायोटेक के जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग करा के जो है हम एक्वेटिक लाइफ को भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चिल्ड्रेन यू आर सीइंग हियर वेरियस स्कोप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विच आर मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी रेड, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी ग्रीन, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी ग्रे आर व्हाइट, एंड मेरीन बायोटेक्नोलॉजी दैट इज ब्लू। चिल्ड्रेन नाउ सी वेरियस स्कोप्स आई हैव टेकन हियर। आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का यूज एग्रीकल्चर में, फार्मास्यूटिकल में, मेडिकल डिवाइसेस इक्विपमेंट में, डिजिटल हेल्थ केयर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, नैनो टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में, केमिकल्स में, प्रोटीन, पेप्टाइड्स, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, लॉट ऑफ स्कोप ऑफ बायोटेक यू आर सीइंग हियर चिल्ड्रेन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम टूल्स रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी। देखा जाए बायोटेक में क्या क्या टूल्स यूज होते हैं बच्चों, और जो सबसे बड़ा टूल यूज होता है उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंगिंग टू लार्जर ग्रुप ऑफ एंजाइम दैट इज न्यूक्लिएजेस। नाम से ही पता चल रहा होगा आपको न्यूक्लिएजेस, न्यूक्लिक एसिड को कट करने के कारण ही इसका नाम पड़ा न्यूक्लिएजेस। और न्यूक्लिएजेस भी दो, एक एक्जोन्यूक्लिएजेस और एक एंडोन्यूक्लिएजेस। जो डीएनए को आउटर एंड पर, एक्सटर्नल एंड पर काटता है उसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लिएजेस। उसकी ज्यादा जरूरत यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जरूरत है एंडोन्यूक्लिएजेस की। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस एंजाइम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कटिंग द डीएनए एट द पर्टिकुलर साइट दैट इज सेड टू बी एज पैलिंड्रोम्स और पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। डीएनए को जिस साइट पर कट करता है बच्चों, तो साइट को पैलिंड्रोम्स या पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस कहा जाता है। जिस साइट पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस एंजाइम कट करता है डीएनए को बच्चों, उस साइट को पैलिंड्रोम्स या पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस कहा जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि पैलिंड्रोम्स आर सेम रीडेबल फ्रॉम बोथ द साइड, दोनों तरफ से सेम ही रीडेबल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस द डेफिनेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस is an enzyme that cuts double-stranded DNA at specific sites that it recognizes. ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले ही आपको बताया कि जो restriction enzyme है वो mainly endonucleases है, क्योंकि endonucleases ही particular site पे cut करता है।
और वह डबल स्टैंडर्ड डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पे कट करता है जहां पर कि वह रिकॉग्नाइज किया रहता है। उस साइट को मैं अभी पता भी आपको कि पैलिंड्रोम्स बोलते हैं, आगे आप देखेंगे भी। द एंजाइम्स मेक टू इंसिजन वन थ्रू ईच ऑफ द शुगर फॉस्फेट बैकबोन, या दोनों ही न्यूक्लियोटाइड पे एक इंसिजन एक कट लगाता है और उसी कट से दोनों अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ के डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल बनाता है। तो इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएटेज का काम है टू कट द स्पेसिफिक साइट दैट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। यहां पर मैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएटेज का फंक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बच्चों ध्यान दीजिएगा। एक तो अभी यहां पर वेक्टर डीएनए लेंगे, आगे आप अभी क्लोनिंग वेक्टर के बारे में भी देखेंगे कि क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, और यहां पर एक फॉरेन डीएनए लेंगे जिससे हमें टारगेट जीन को लेना है। या जो एंडोन्यूक्लिएटेज एंजाइम है बच्चों, यह बहुत ही स्पेसिफिक एंजाइम है जो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को कट करता है स्पेसिफिक साइट पर। जैसे यहां पर देखिए GAATTC और उल्टा देखिए GAATTC, इस इतने दूरी को, इतने रीजन को क्या बोलेंगे, पैलिंड्रोम या पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। सिमिलरली इस फॉरेन डीएनए में भी देखिए GAATTC और इस साइड से GAATTC, यह भी क्या है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। और मैंने अभी आपको बताया कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएटेज एंजाइम है बच्चों, यह केवल पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस पे ही कट करता है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं इसने इस एंड पर कट किया, यहाँ पर देखिए इसका स्टिकी एंड है, ब्लंट एंड को कट किया, और यहाँ पर भी इसके ब्लंट एंड को कट किया, और अब ये देखिए दोनों एंड कट चुके हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए इधर इसके ब्लंट एंड और इधर इसके ब्लंट एंड को कट किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएटेज एंजाइम ने, यह रिकॉग्नाइज करेगा सेम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को। यह भी ध्यान दीजिएगा कि सेम पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को कट करेगा जिसमें कि 6 बेस पेयर्स होते हैं, 6 बेस पेयर्स, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स 6 होते हैं, और यह सेम रीडेबल होंगे दोनों साइड से। ध्यान दीजिएगा पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस आर सेम रीडेबल फ्रॉम बोथ द साइड, एंड यू आर सीइंग हियर द फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएटेज एंजाइम। चिल्ड्रन प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली। यू आर सीइंग हियर दैट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएटेज एंजाइम कट द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एट द पर्टिकुलर रीजन दैट इज वेल नोन एज पैलिंड्रोम्स और पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएटेज एंजाइम जो कि न्यूक्लिएटेज एंजाइम ग्रुप से बिलोंग करता है, एंडोन्यूक्लिएटेज है तो भीतर की तरफ एक स्पेसिफिक साइट पे डीएनए रीजन को कट करता है। यहाँ पर भी देखिए इसके ब्लंट एंड को कट किया और यहाँ पर भी इसके ब्लंट एंड को कट किया, और बाद में डीएनए लाइगेजेज एंजाइम के थ्रू दोनों एंड जुड़ जाते हैं बच्चों, और जुड़ जाने से आप देख रहे हैं यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है, नजर आ रहा है आपको, क्योंकि दोनों डीएनए वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए दोनों आपस में रिकम्बाइन हो जाते हैं, इसीलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। एंड देयरफॉर बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल जो है उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। जानते रहे आप बायोटेक्नोलॉजी को, इसीलिए बच्चों रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम टारगेट डीएनए और वेक्टर डीएनए दोनों ही डीएनए के एक पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएटेज एंजाइम की मदद से कट करते हैं और फिर डीएनए लाइगेजेज की मदद से जोड़कर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर काइमेरिक डीएनए और आर डीएनए, इसको स्मॉल आर डीएनए भी लिखा जाता है। तो चूंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए बनाकर और फिर इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं, इसीलिए इस टेक्नोलॉजी का नाम रखा गया बच्चों रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो यू आर सीइंग हियर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अ टेक्नोलॉजी व्हिच इन्वॉल्व्स द कंबाइनिंग और रीजॉइनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। देखिएगा दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को कंबाइन करना या रीजॉइन कराना और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना ही कहलाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब हम डिजायर्ड कैरेक्टर वाले जो डीएनए का फॉर्म था उसको जब मिला के रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करेंगे और फिर इसकी मल्टीपल कॉपी बना लेंगे बच्चों, तो वह डिजायर्ड कैरेक्टर जो होगा वह उसकी हमें सेवरल कॉपीज मिलकर तैयार हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यू आर सीइंग हियर द
मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को बच्चों जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, दैट इज मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स, जीन्स का जोड़ना घटाना। ओके, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहां देख भी रहे हैं आप, मैनिपुलेटिंग एन ऑर्गेनिज्म जीनोम टू अल्टर माइक्रोब्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर आवर बेनिफिट्स, यू कैन से फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड करेक्ट जेनेटिक डिफेक्ट्स इन ह्यूमन, और ह्यूमन में करेक्ट करना जेनेटिक डिफेक्ट को। तो यहां पर देखिए, तो इसके गोल है, एक तो यह भी गोल है ना कि जेनेटिक डिफेक्ट को भी दूर करना, प्रोडक्ट्स तो बनाना एक गोल है ही, और जेनेटिक डिफेक्ट को भी दूर करना। इसीलिए मैं आगे बताया आपको कि जब हम लोग एप्लीकेशन की बात करेंगे तो वहां पर हम लोग मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में हम जीन थेरेपी की भी बात करेंगे कि किस तरीके से जेनेटिक डिफेक्ट को दूर किया जाता है। बच्चों आप देख रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है, क्योंकि इसमें जीन्स को तोड़ा जाता है और दूसरे डीएनए के साथ में जोड़ा जाता है, दैट इज मैनिपुलेशन, दैट्स व्हाई जेनेटिक इंजीनियरिंग इज सेड टू बी ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज कंसीडर्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो सी दिस डायग्राम, इस डायग्राम में बच्चों मैं आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएटेज और क्लोनिंग वेक्टर के बारे में बताना चाह रहा हूँ एट ए ग्लांस। अभी हम लोग केवल टूल्स पढ़ रहे हैं और एट ए ग्लांस देख रहे हैं कि इसके क्या क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। बेसिकली आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। टुडे वी हैव जस्ट स्टार्टेड बायोटेक एंड वी शैल इलेबोरेट द बायोटेक इन डिटेल चिल्ड्रन, सो डोंट गेट पैनिक। ओके, इस डायग्राम में बच्चों आप देखिए, एक फॉरेन डीएनए है, एक फॉरेन डीएनए या टारगेट डीएनए लिया गया जिससे हमें टारगेट जीन को आइसोलेट करना है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं एक वेक्टर डीएनए लिया गया है, यह एक क्लोनिंग वेक्टर होता है बच्चों। अभी मैं आगे क्लोनिंग वेक्टर के बारे में भी आपको बताऊंगा। क्लोनिंग वेक्टर बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रोब जैसे बैक्टीरियोफेजेस वगैरह का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको यूजुअली प्लास्मिड कहा जाता है, और इसके पास टारगेट साइट होते हैं बच्चों जहां पर कि उसको कट करके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएटेज एंजाइम की मदद से, अभी पीछे मैं दिखाया भी था, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएटेज एंजाइम की मदद से टारगेट साइट को कट करके और फिर वहां पर इस टारगेट जीन को ले आकर जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है बच्चों। दैट्स व्हाई दिस टेक्नोलॉजी इज वेल नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यू आर सीइंग हियर दैट दिस वन इज द फॉरेन डीएनए एंड दिस वन इज द वेक्टर डीएनए। यहां पर वेक्टर डीएनए के टारगेट साइट को कट किया गया है और यहां फॉरेन डीएनए से भी टारगेट जीन को कट किया गया है। आप समझ सकते हैं इन बोथ द प्रोसेस द सेम एंजाइम इज बीइंग इन्वॉल्व, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएटेज। इसीलिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएटेज को मैंने पीछे ही आपको दिखा दिया ताकि आपको यह स्टेप पूरा समझ में आ जाए। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएटेज एंजाइम व्हिच कट्स द डीएनए रीजन एट द पर्टिकुलर साइट सेड टू बी एज पैलिंड्रोम्स और पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। तो उसी सीक्वेंस पर यहाँ पर भी कट किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएटेज एंजाइम ने, यहाँ पे भी कट किया उसी एंजाइम ने, सेम एंजाइम ने, और आप समझ सकते हैं दोनों जगहों पर सेम कट्स होंगे, तभी तो यह जीन आप इंटरेस्ट जाके इससे जुड़ेगा। इस जीन आप इंटरेस्ट को बच्चों टारगेट जीन, ट्रांस जीन, फॉरेन जीन या जीन आप इंटरेस्ट कहा जाता है। और अब यहाँ पर कटे हुए साइट पर जो क्लोनिंग वेक्टर का कटा हुआ साइट है, इसी साइट पर हम ले आकर इस टारगेट जीन को डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से जोड़ देते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पर अलग कलर से दिखाई दे रहा है ताकि आपको चीजें पूरी पूरी समझ में आए। अब ये मामूली डीएनए नहीं रह गया है, अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, हैविंग एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ डीएनए, एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ टारगेट जीन इन फैक्ट। दैट्स व्हाई इट इज काइमेरिक डीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए और आरडीएनए, एंड दैट्स व्हाई दिस टेक्नोलॉजी इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यहाँ पर बच्चों यह भी बताना जरूरी कि क्लोनिंग वेक्टर हम ऑर्डिनरी डीएनए को नहीं लिए हैं, यह एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जिसके पास टारगेट साइट तो था ही, इसके पास ओआरआई भी है, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और सिलेक्टेबल मार्कर्स भी है, दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट। इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट की मदद से हम इस टेक्नोलॉजी के बाद अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पहचानने का काम करेंगे, स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, और ओआरआई के थ्रू बच्चों यह
क्लोनिंग वेक्टर मल्टीपल टाइम रेप्लिकेशन करेगा। तो जब यह आरडीएनए बनके तैयार हो जाता है बच्चों, तब इसको हम लोग एक सुटेबल होस्ट में डालते हैं। देखिए क्योंकि प्लास्मिड भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इसीरिचिया कोलाई का है, बैक्टीरिया का है, इसीलिए इसको ई कोलाई के ही सेल में डाला जाता है बच्चों, प्लास्मिड को। और ई कोलाई के डिवीजन के साथ में प्लास्मिड का भी डिवीजन होता है, सिंस इट इज हैविंग ओआरआई और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होने की वजह से इसका भी रेप्लिकेशन होता है, और इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन हो जाता है आरडीएनए का। दैट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और फाइनली बच्चों हम इसके पास, चूंकि हमें पता है एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट भी है जिसके थ्रू हम इसे पहचानने का काम करते हैं, स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन का काम करते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि किस तरीके से जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के वेरियस स्टेप्स करके और फाइनली स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन करके हम रिकॉम्बिनेंट को अलग और नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग, ट्रांसफॉर्मेंट को अलग और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग कर लेते हैं और आसानी से हमें प्रोडक्ट्स प्राप्त हो जाते हैं। तो या तो बायोटेक्नोलॉजी से आपने बहुत से प्रोडक्ट्स बनाने के तरीका एक देखा कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को किस तरीके से आइसोलेट किया जाता है, क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, क्लोनिंग वेक्टर में किस तरीके से जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ा जाता है, कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है, और फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक सुटेबल होस्ट में डालने के बाद किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मल्टीप्लीकेशन कराया जाता है, और फर्दर सिलेक्टेबल मार्कर की सहायता से स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन कर लिया जाता है। दीज आर द स्टेप्स ऑफ बायोटेक। और बच्चों लास्ट में आप जानते ही हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है, जिसमें अगर प्रोडक्ट फूड आइटम्स है तो उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाएंगे, अगर प्रोडक्ट मेडिकल प्रोडक्ट है तो उसमें हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे, जाहिर सी बात है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर, अदर एनिमल्स के ऊपर हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे मैन के ऊपर, और तब जाके फिर उसका मार्केटाइजेशन करेंगे, कमर्शलाइजेशन करेंगे। तो आज बच्चों आपने बायोटेक के एक तरीके से शुरुआत कर दिया है, हम लोगों ने बायोटेक के डेफिनेशंस को देखा, कुछ टूल्स के बारे में समझा कि क्लोनिंग वेक्टर की क्या जरूरत है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्या जरूरत है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट इज न्यूक्लियेजेज, और उसमें भी रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेजेज जो कि पैलिंड्रोम्स पर कटते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर कट करते हैं डीएनए के रीजन को, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस को भी हम लोग को डिटेल में पढ़ना है बच्चों। क्लोनिंग वेक्टर जो आप देख रहे हैं, प्लास्मिड, कॉस्मिड, फैजमिड, कई तरीके के क्लोनिंग वेक्टर्स भी होते हैं, तो क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में, इनके डिफरेंट साइट्स के बारे में हमें पढ़ना है इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आगे चलकर इसी चैप्टर में बच्चों हम लोग इसके एक और प्रिंसिपल को देखेंगे, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन which is also based on recombinant DNA technology। और polymerase chain reaction में देखेंगे आप कि 30 cycle में हम लोग किसी भी nucleic acid का 1 billion copy बना लेते हैं, that is 10 crore। और 10 crore copy बना लेने से हम आसानी से screening और identification करके पहचान कर लेते हैं, diagnosis कर लेते हैं कि particular जो person है वह इस disease से affected है या नहीं, उसके body में यह pathogen है या नहीं। तो hepatitis के लिए, एड्स के लिए, कोरोना के लिए, इन तमाम बीमारियों के लिए जो टेस्ट होता है, जो डायग्नोसिस होता है, जो वह पीसीआर पर बेस्ड रहता है, एंड पीसीआर इज द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी व्हिच इज जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो चिल्ड्रन, इन टुडेस क्लास वी हैव जस्ट स्टार्टेड बायोटेक्नोलॉजी एंड डिस्कस सम स्कोप्स एंड डेफिनेशंस आल्सो। इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल जस्ट डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, that is genetic engineering or recombinant DNA technology along with their various tools। So my dear kids, prepare yourself to start the genetic engineering। Thank you very much।